बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ विंटर ग्लो फेशियल की रेमेडी शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले कॉफ़ी लिया है टेबलस्पून भर के एक बॉल में। साथ ही इसमें मैंने टेबलस्पून शुगर का ऐड किया है, पिसी हुई चीनी जिसे मैंने किचन से ही लेके ग्राइंडर में पीस लिया था, और फ्यू ड्रॉप्स इसमें मैंने ग्लिसरीन के शामिल किए हैं। आप लोग रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करी हूँ हाफ टेबल स्पून वाइट विनेगर, और इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छा सा। अब इसमें मैं टेबलस्पून भरकर ऐड करूँगी एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। ये तमाम चीज़ें हमारे किचन में ही पड़ी होती हैं, जिन्हें अगर हम लोग अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ करें तो आप लोग यकीन करें कि पार्लर के महंगे महंगे खर्चों से हम लोग बच सकते हैं। अब एक और पैक तैयार करूँगी मैं एक और बॉल में। इसके लिए मैंने बेसन लिया है टेबलस्पून भर के। साथ ही साथ इसमें मैं ऐड करूँगी आटा टेबलस्पून, जो कि हम लोगों के किचन में ही होता है। हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने चावलों का आटा शामिल कर दिया है, और टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें दही का शामिल कर दिया है। और इसमें मैं साथ इस मिक्सचर को मिक्स करने के लिए डालूंगी रोज़ वाटर। मैं सईद गनी का यूज़ कर रही हूँ विद एलोवेरा। इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट रोज़ वाटर है। और इस मिक्सचर को भी मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। DIY रेमेडीज़ जो हैं वो एक मैजिकल आपको ग्लो देती हैं, अगर आप लोग उसे बाकायदगी से अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लें। मैंने कच्चा दूध लिया और उसे एज अ क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं अच्छी तरह से अपने हाथों की क्लेंजिंग करूँगी। कच्चे दूध से अच्छा क्लेंजर मेरे नज़र में अभी तक कोई भी नहीं है। और फिर मैंने अपने एक गीला टावल रखा है पास, उससे अपने हाथों को मैंने क्लीन कर लिया। इसके साथ ही अब मैंने जो कॉफ़ी का मिक्सचर बनाया है वो अपने हाथों पर अप्लाई करूँगी। ये हम लोगों का एक बहुत अच्छा सा स्क्रब तैयार हो गया है। कॉफ़ी भी आप जानते हैं स्किन के लिए हम लोगों की कितनी बेहतरीन है, और विंटर में हम लोगों की जो स्किन के इतने इश्यूज़ हैं कि हमारी स्किन इतनी ड्राई हो गई है, रफ़ हो गई है, डैमेज हो गई है। आप ये करके देखें, ये मैं ख़ुद नहीं कह रही, आप लोग करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पर, और फिर मुझे आपने कॉमेंट्स में बताना है कि आपको इसके रिज़ल्ट कैसे लगे हैं। इसको यूज़ करते वक्त बस आपने पानी नहीं लगाना, वरना चीनी पानी छोड़ देगी और इसका वैसा रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब ये जो मैंने बेसन का पैक बनाया है, इसे मैं अपने फेस पे या नेक पे अप्लाई करूँगी, और इसको तकरीबन 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। और इसके बाद इसे हमने पानी के साथ साफ़ कर लेना है, और कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र मस्ट है, कुछ भी आप लोग करते हैं, बेशक क्लिनजिंग ही करते हैं, मॉइस्चराइज़र के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना स्किन को अच्छा रखा जाने के लिए। मॉइस्चराइज़र लाजमी हम लोगों को यूज़ करना है। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये वाला आप लोग जब फेशियल करेंगे तो आप लोग ख़ुद कहेंगे कि वाओ क्या मैजिकली रिजल्ट्स हैं इस वाले फेशियल के। प्लीज़ आप लोग भी अपनी स्किन का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।